हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ SPL हेल्थ में। आज हम आपको जिस फल के बारे में बताने वाले हैं, इसके फ़ायदे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। वो फल का नाम है सीताफल, जो इसी सीज़न में मिलता है। इसी सीज़न में यानी बारिश के बाद का जो सीज़न आता है, वो सीजनली फल है, साल में एक बार आता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। ये फल सबको एक बार ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारी इससे बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। सीताफल में विटामिन B6 की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे ब्रेन पावर को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित करता है। इसमें कैल्शियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो अर्थराइटिस और कब्ज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को बचाने में काफ़ी मददगार करता है। साथ ही इसके पेड़ के छाल में टैनिन होता है, जिसके इस्तेमाल दवाइयाँ को बनाने में की जाती है। इस पेड़ के पत्तों से कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। इतना फ़ायदेमंद ये फल है, और फल के साथ इसके जो पेड़ है, उसके पत्ते हैं, उनसे भी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये फल आप सबको ज़रूर खाना चाहिए, और ये सीजनली फल है। बहुत ही इसमें सीड्स होते हैं, यानी इसमें अंदर बीज बहुत होते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। आप इसको जितना चबाएंगे, उतना हमारा जो मुंह का फेफड़ा है, मतलब मुंह में जो मसूड़ा होता है, जो चबाने का, जो हम लोग का जो चबाने से लार बनता है, हम जितना चबाएंगे उतना खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, एक एक्सरसाइज होता है मुँह का। तो ये हम लोग को ज़रूर करना चाहिए। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये फल ज़रूर खाइएगा। सीजनली फल है। हर साल में 4 से 5 डेली तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा होता है। इसलिए सर्दी जुकाम हो तो ना खाएं, मगर ऐसे फिट रहें तो ज़रूर खाएं, ताकि आप हमेशा के लिए फिट रहेंगे और छोटी मोटी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। तो कैसे लगी आपको ये हमारी जानकारी, हमें ज़रूर बताएं। SPL हेल्थ चैनल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ अपने नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।